Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 4, there are some topics. Okay, these are the topics today we will discuss. Selection tool, lasso tool, coloring tool, brush tool, paint bucket tool. The next topic is transforming object. And the last topic is importing graphics. Okay, these are the topic today we will discuss. Okay, so the first one is selection tool. So let's see the first topic is selection tool. हम लोग आज इतने सारे टॉपिक को आज देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपना इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ सारे चीज़ों को अपनी कॉपी में फेयर करेंगे, ठीक है? और इसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो सिलेक्शन टूल, ओके? स्टूडेंट, द फर्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन टूल। इन फ्लैश CS6, द टू इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल आर सिलेक्शन टूल एंड लासो टूल। दो इम्पॉर्टेंट ऐसे सिलेक्शन टूल है जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, फ्लैश में। पहला है सिलेक्शन टूल और लैसो टूल, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन टूल का पार्ट है, ठीक है। दीज टूल आर यूज टू सेलेक्ट सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ये जो टूल इस्तेमाल होती है आपको सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं कि कैसे इस मल्टीपल और सिंगल ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इज ऑल्सो नोन एज एरो टूल। सिलेक्शन टूल को हम लोग एरो टूल भी कहते हैं, ठीक है। दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टूल का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं, जहाँ हमारा स्टैग यानी वॉकिंग एरिया होता है उस जगह पर जाकर के सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें टू सेलेक्ट स्ट्रोक फिल एंड टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल। हमें अगर सेलेक्ट करना हो किसी स्ट्रोक को या फिल को या टेक्स्ट ब्लॉक को, तो उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा टूल पैनल में होता है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट पे जो हमारा स्टैग एरिया में वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। टू सेलेक्ट द फिल शेप इन आउटलाइन स्ट्रोक ऑल टुगेदर डबल क्लिक ऑन द फिल। जैसे ही हमने देखा कि वो आउटलाइन, हमने क्या किया, आउटलाइन मेरा लिया हुआ था और उस पे उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, सेलेक्ट करना है, तो बस उसको डबल क्लिक उस पे जा करके ड्रैग कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होकर के उसमें पुट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज लैसो टूल। लैसो टूल का काम होता है कि इररेगुलर शेप हमारे ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ फ्री हैंड सेलेक्शन टूल विच लेट यू मूव द पॉइंटर एज यू वुड मूव अ पेंसिल और पेन ऑन द ड्राइंग। ये ऐसा फ्री हैंड सेलेक्शन टूल है जिसकी मदद से आप अपने पॉइंटर को कहीं भी किसी भी एरिया में, चाहे वो पेन हो लैसो टूल का या पेन, आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो लैसो टूल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेलेक्ट द लैसो टूल को करेंगे हमारा टूल पैनल में जा करके। उसके बाद पॉइंटर को हम अपने स्टैग एरिया जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, द पॉइंटर गेट टू चेंज टू अ लैसो शेप, यानी उसके बाद पॉइंटर हमारा जो होता है, जो पॉइंटर हमारा होता है वो लैसो टूल के में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर अराउंड द एरिया और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ड्राइंग स्पेसिफाई द सिलेक्शन बाउंड। जिस ऑब्जेक्ट पे हमको क्लिक करना है, ड्रैग करना है, उस ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, ठीक है, उसे सिलेक्शन करेंगे उस एरिया को, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद रिलीज द माउस एंड ऑब्जर्व द सिलेक्शन नाउ द प्लेस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड पोर्शन। उसके बाद आप वहाँ देखेंगे कि जैसे ही हमने, ये मेरा इररेगुलर शेप था, तो जैसे ही हम उसको क्या किए, इस एरिया में ले आए हैं, तो हमारा पार्ट देखिए कैसे क्या हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना लैसो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना।
क्लिक एंड ड्रैग टू मूव इट द अनदर प्लेस। जैसे ही हमने इस पार्ट को क्या किया, लैसो टूल की मदद से, उसके बाद उसे अलग किया, फिर उसके बाद अगर हम उसे चाहे जोड़ना तो हम उसे जोड़ सकते हैं लैसो टूल की मदद से। ओके, द नेक्स्ट इज कलरिंग टूल। फ्लैश कंसिस्ट ऑफ कलरिंग टूल। फ्लैश जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें कलरिंग टूल का बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका है ब्रश टूल, कलरिंग टूल में पहला है ब्रश टूल। ये एक तरह का आपको पेंट करने में मदद करती है आपके कैनवास एरिया में, ठीक है। ब्रश टूल ऑफ फ्लैश इज़ यूज टू पॉइंट एनी ऑब्जेक्ट विद द ब्रश लाइक स्ट्रोक। ब्रश टूल का इस्तेमाल होता है फ्लैश में, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ब्रश करना है पेंट के ज़रिए, तो हम ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश टूल का यूज़ कैसे करेंगे, सर्टेन स्टेप्स को फॉलो कर करके वो देखेंगे। सबसे पहला स्टेप्स है, आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं हमारे टूल पैनल में से, ठीक है। उसके बाद ब्रश मॉडिफायर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा ब्रश का साइज़ कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, वो हम टूल पैनल में से जा करके सेलेक्ट करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन टू द स्टैक टू अप्लाई द सेलेक्ट ब्रश स्ट्रोक। उसके बाद हम अपने ब्रश को क्लिक कर करके ड्रैग करेंगे पॉइंटर को हम अपने स्टैग एरिया में, यहाँ देख रहे हैं स्टैग एरिया में ले जा करके उस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, तो जा करके हम ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज पेंट बकेट टूल। फिलिंग अ शेप और एन ऑब्जेक्ट विथ अ कलर एड ब्यूटी इट। अगर हम कोई शेप और ऑब्जेक्ट को कलर के साथ फिल करते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो हम पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेंट बकेट टूल लेट्स यू फिल कलर इन एन एम्प्टी शेप एंड चेंज द कलर ऑफ एन ऑलरेडी फिल शेप। पेंट बकेट टूल का काम होता है कि कोई एम्प्टी शेप में फिल करना हो कलर को, या ऑलरेडी उसमें कलर हो तो उसको चेंज करने के लिए हम पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन फिल द शेप बाय यूजिंग नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन। हम लोग अगर कोई शेप में फिल करना चाहते हैं तो या तो नॉर्मल फिल के ज़रिए ऑप्शन या ग्रेडियंट फिल ऑप्शन के ज़रिए हम लोग उसमें कर सकते हैं। नॉर्मल फिल ऑप्शन अलाउ यू टू फिल सिंगल कलर इन अ शेप। नॉर्मल फिल जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो रही है पेंट बकेट टूल में, वो सिंगल कलर यानी एक ही कलर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। ग्रेडियंट आर कलर और शेड फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर कलर। ग्रेडियंट जो ऑप्शन होता है, आपको एक से ज़्यादा कलर को आप उस शेप में मिक्स कर करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल फिल में कि एक ही कलर का इस्तेमाल हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा कलर हम ग्रेडियंट फिल ऑप्शन की मदद से यूज़ किए हैं। फ्लैश हैज़ फ्यू डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पेंट बकेट कलर पैलेट। फ्लैश के पास कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स होते हैं जो हमारे पेंट बकेट कलर पैलेट में आपको नीचे की ओर दिखते हैं, उसकी मदद से हम लोग ग्रेडियंट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे हम नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल को इस्तेमाल करेंगे सर्टेन स्टेप्स की मदद से, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला हम लोग पेंट बकेट टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी पैनल पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पैनल पे जाने के बाद डिज़ायर कलर फिल, ठीक है, सेलेक्ट डिज़ायर कलर फिल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको कलर चूज़ करना है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने पॉइंटर को वॉकिंग एरिया में ले जा सकते हैं। ये हमारा वॉकिंग एरिया है, स्टैग है, उस पर पॉइंटर को ले जाएंगे। जिस भी आपको करना है ऑब्जेक्ट पे उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और वो आपका क्या होगा, इट चेंज इनटू अ बकेट। वो एक तरह का बकेट का रूप पॉइंटर में शो हो जाएगा आपका। ये जो बकेट होता है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंटर, वो बकेट का रूप हो जाएगा, और वो बकेट का रूप सिंबल आप अपना किसी भी ऑब्जेक्ट में ले जा करके आप उसे फिल कर सकते हैं कलर को। क्लिक इनसाइड द शेप टू फिल इट सेलेक्टेड कलर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस बकेट शेप का हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा कलर फिल हो जाता है। इस तरीके से हम पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर एंड इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैग, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को स्टैग में इंसर्ट करते हैं, ठीक है,
यू कैन ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंट मैनर। उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी कैसे उसमें चेंजेस करते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। यू कैन रिसाइज इट, रोटेट इट, ठीक है, फ्लिप इट एंड मूव इट अनदर प्लेस ऑन टू ऑन द स्टैक। हम लोग उसे रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या तो फ्लिप कर सकते हैं, या तो मूव कर सकते हैं स्टैक में किसी भी एरिया में जाकर के। उसे ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, पहला जो है आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। बिफोर अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन टू एन ऑब्जेक्ट यू नीड सेलेक्ट टू यूज़ द फ्री ट्रांसफॉर्मिंग टूल। हम किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल का सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस इसलिए इस्तेमाल करते हैं उसको, उस टूल को मूव करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, रोटेट या फ्लिप करने के लिए उस ऑब्जेक्ट या शेप को हम अपने स्टैक में, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग सर्टेन स्टेप्स को देखेंगे। पहले कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे स्टैग एरिया में, ठीक है, हमने स्टैग एरिया में कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, टूल पैनल में जा करके, उसके बाद क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर जो हमारा स्टैग एरिया में यानी वर्किंग एरिया में है। यू विल नोटिस सम हैंडल अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, उसके साइड में यानी उस जो साइड होता है ऑब्जेक्ट का उसे हैंडल बोलते हैं, वो एक हैंडल का रूप बन जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चारों तरफ से एक हैंडल का रूप बन जाता है, यानी किसी भी एरिया से आप उसको घुमा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, यानी वो चारों तरफ से आपका वो फ्री ट्रांसफॉर्मिंग टूल का ऑप्शन लेकर के आप उसे मूव करवा सकते हैं, रिसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। जस्ट सेम एज अ ट्रांसफॉर्मिंग टूल की जैसा है ये। आप इसके लिए सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंटर क्या करेंगे, आप चारों कॉर्नर पे, ठीक है, पॉइंटर को देखेंगे। प्लेस द पॉइंटर ओवर एनी वन ऑफ द कॉर्नर, फोर कॉर्नर हैंडल ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हैं कि कोई भी फोर कॉर्नर आप जो देख रहे हैं, किसी एक फोर कॉर्नर पे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। द पॉइंटर चेंज टू कर्व एरो, यानी वो पॉइंटर अपने आप खुद ब खुद एक कर्व एरो के रूप में शो हो जाता है। उसको बोलते हैं रोटेशन हैंडल, उसको बोलते हैं रोटेशन हैंडल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस कर्व एरो को आप किसी भी तरीके से उसे घुमाएंगे, मूव करवाएंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं। अब आता है आपका स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उसके साइज़ को कैसे करेंगे हम स्केलिंग के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को स्केल की मदद से। पहला है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में आप हाइट और हाइट एंड विड्थ दोनों को लेकर के आप स्केलिंग कर सकते हैं। प्लेस द पॉइंटर ओवर अ कॉर्नर हैंडल, आप अपने ऑब्जेक्ट पे पॉइंटर को उसके कॉर्नर पे ले जा करके, ठीक है, डायगोनली ड्रैग करते हैं, डायगोनली, ठीक है, यानी ये स्केल मेज़र करता है हमारा डायगोनली कि हमारा हाइट और विड्थ उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मेज़र कर देगा आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप उसे डायगोनली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका वो ऑब्जेक्ट का स्केलिंग टू डायमेंशनल के द्वारा हो जाता है। उसके बाद आता है सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन। इसमें आप हाइट और विड्थ, या तो हाइट लेकर के या तो विड्थ लेकर के आप स्केलिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। प्लेस द पॉइंटर ओवर एनी ऑफ द साइड हैंडल, किसी भी साइड हैंडल पे आप पॉइंटर को ले जा सकते हैं। उसके बाद उसके डिज़ायर्ड डायरेक्शन को ड्रैग करते हैं, ठीक है। जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आपका वो स्केल मेज़र करता है या तो हाइट का या तो विड्थ का, जिस समय आप उस सिलेक्शन करते हैं किसी भी साइड को। वो डिपेंड करता है टाइम पे, आप कौन से साइड पे किस सिलेक्शन कर रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन कर रहा है किस साइड का, वो डिपेंड करेगा स्केल कि आप हाइट को कर रहे हैं या विड्थ को। तो ये सिंगल डायरेक्शन की मदद से आपके ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करेगा। तो ये दो तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। देन आपका फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट का मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट में जो भी आपने कुछ लिखा है टेक्स्ट, उसको कैसे हम फ्लिप करना यानी उलटना,
ठीक है। उस तरीके से करने के लिए हम लोग सर्टेन स्टेप देखेंगे फ्लिपिंग करने के लिए। सबसे पहले क्लिक ऑन मॉडिफाई मेनू, मॉडिफाई मेनू पे क्लिक करेंगे जहां हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दो तरीके का फ्लिप देख सकते हैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये आपका वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल हो जाएंगे, हॉरिजेंटल करना चाहेंगे तो हॉरिजेंटल। ये देख रहे हैं कि सेलेक्ट किया मैंने इस फ्लिपिंग टूल की मदद से, इस ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद फ्लिपिंग टूल की मदद से हमने वर्टिकल, ठीक है, या हॉरिजेंटल करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे फ्लिपिंग टूल, उसके बाद वो खुद ब खुद फ्लिपिंग टूल की मदद से वो ऑब्जेक्ट फ्लिप हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टिंग ग्राफिक्स। कैसे हम अपने ग्राफिक को इम्पोर्ट करेंगे अपने सिस्टम से, ठीक है। इम्पोर्ट हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा क्लिप आर्ट हो, इमेज हो, पिक्चर हो, ग्राफिक हो, जो हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, स्टोर होता है, और उसको अपनी फ्लैश स्टैग यानी वर्किंग एरिया में कैसे लाएंगे वो हम लोग सर्टेन स्टेप की मदद से देखेंगे। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, सबसे पहले फाइल मेनू पे जाएंगे, इम्पोर्ट ऑप्शन पे, इम्पोर्ट टू स्टैग पे जाएंगे, ठीक है। एक इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगा, उस पर आप लोकेट करेंगे जिस भी एरिया में आपका, जिस भी जगह पे आपका वो इमेज होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसे ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे आपका वो इमेज क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा आपके स्टैग यानी वॉकिंग एरिया में। उसके बाद जैसे ही वो इमेज ऐड हो जाता है आपके स्टैग एरिया में, आप उस पर सर्टेन ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर, द न्यू चैप्टर इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।